जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज नीलेश नेमा फ्रॉम सबदानी कोचिंग। क्वेश्चन नंबर 25। अ शॉपकीपर मार्क 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। आपसे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य डाला। आप मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस था 100 और उस दुकानदार ने इससे कितना परसेंट ऊपर डाला है, बोलिए 40%। तो 100 से 40% ज्यादा, 100 का 40% 40, यानी उसने जो MRP डाला है वो डाल दिया 140। और आपसे बोला जाता है कि एंड गिव 20% डिस्काउंट एंड अलाउज 20% डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है, कभी भी कोई शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस पे थोड़ी डिस्काउंट देगा, हमेशा अंकित मूल्य ने MRP पे देगा। और MRP पे जब डिस्काउंट वो दे देगा ना, तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस होता है। और आपसे बोला गया कि डिस्काउंट का परसेंट है 20%। जब वो 140 पे डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो 140 का 10% होगा 14, तो 20% होगा 28। तो 140 पे 28 का जब उसने डिस्काउंट दिया, यानी वो चीज़ उसने आपको कितने में बेच दी, 112 में। तो मान लीजिए वो 100 में लाया था, 112 में बेच दिया, तो आपको पूछा गया बताइए प्रॉफिट का परसेंट। तो बेटा प्रॉफिट का जो परसेंट होता है वो होता है SP माइनस CP, यानी 12 का प्रॉफिट है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12%।